नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां SPIC में सांसद शंकर लालवानी और DRM विनीत गुप्ता सहित रेलवे के अधिकारी लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने सहित नया स्टेशन तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई। इसके पहले सांसद और अधिकारियों ने इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सांसद सहित रेलवे के अधिकारी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने ड्राइंग के जरिए स्टेशन पर होने वाले डेवलपमेंट को देखा, साथ ही दिक्कतों के संबंध में भी बात की। इसके बाद सांसद व रेलवे अधिकारी प्लेटफॉर्म 6 से SPIC में बैठकर लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने रास्ते में कई विषयों पर चर्चा की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पूर्व में इंदौर रेलवे स्टेशन के संबंध में उनकी रेल मंत्री से मुलाकात हुई थी। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने के लिए इंदौर के रेलवे स्टेशन को लिया है। इसका कॉन्सेप्ट लगभग फाइनल हो गया है। हम कुछ इशू पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन के विकास का मॉडल बनकर तैयार हो गया है, वे बोले। पार्क रोड रेलवे स्टेशन से जोड़ने बॉटल नेक शास्त्री ब्रिज सहित अन्य मसलों पर रेलवे मेट्रो और निगम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके लिए एक कॉमन प्रपोजल तैयार करेंगे। दूसरे स्टेशन के साथ साथ जो पार्क रोड का स्टेशन है उसका भी कंबाइंड विकास किया जाए, इस पर रेल मंत्री ने सहमति दी है। नई बिल्डिंग बनाने के साथ अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। भविष्य को देखते हुए प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। पार्क रोड स्टेशन पर 5 व 6 प्लेटफॉर्म है, वहां एक और प्लेटफॉर्म बन सकता है जो पिट है, उसे शिफ्ट करने की बात चल रही है। वे बोले कि देवास से इंदौर का डबलिंग का काम भी 2 माह में पूरा हो जाएगा। इंदौर दहोद वाले काम का टेंडर हो चुका है, आने वाले समय में जल्द इसका काम शुरू होगा। इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज का काम होना है, इसके सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पार्क रोड स्टेशन के नाम को लेकर भी विचार किया जा रहा है। नामकरण को लेकर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से रेलवे को भेजेंगे। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन आने वाले समय में प्रमुख स्टेशन बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का लोड है वहाँ भी नया स्टेशन बनाने की संभावना है। वहाँ प्लेटफॉर्म किस प्रकार बन सकते हैं, आज इसे लेकर प्रारंभिक मुआयना किया गया है। सारी प्लानिंग चल रही है अभी। कई पहले क्या था कि हम सेक्शन वाइज सेक्शन चल रहे थे, अभी सारे सेक्शन में काम चालू कर दिया एक साथ। आज प्रारंभिक मुआयना हुआ है, मुझे लगता है रेलवे इस पर जरूर विचार करेगी और इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलेगी, ऐसी पूरी संभावना।